और सर हूँ मैथ्स की बात कर तो सर डी एक ऐसा पार्ट था कि जो मुझे बहुत टाइम लग रहा था तो सर मैंने उसके लिए क्या कि किया था क्वेश्चन हो रहा था और टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था तब तब कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोच के बारे में सोचना भाई एक एक शेयर करो पहले फटाफट से जल्दी जल्दी शेयर करो फटाफट से शेयर कर दो तो मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे चलो एक एक शेयर कर दो सब लोग आ जाएंगे फटाफट से है ना चलो हेलो एवरी नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बाइंकर मेरा नाम है अरुण सिंह रावत दोस्तों आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आर आर बी पी ओ का के मॉक टेस्ट आज का मॉक टेस्ट से आपको आइडिया होगा देखो पूरा पूरा मॉक है अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं एक मॉक से आपको आइडिया होगा कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं तो देखो ये कुछ डेट्स मैंने निकाली है आपके लिए आर आर बी की जो प्रलिम्स की डेट है अगर मैं बात करूं वो एक अगस्त सात अगस्त आठ चौदह इक्कीस अगस्त तक तो आप ये मान के चलिए कि अगस्त में आपका एग्जाम इस डेट में कभी भी हो सकता है आप स्क्रीन शॉट दे लीजिए हो सकता है एक को पेपर हो सात को पेपर हो आठ को पेपर हो चौदह को पेपर हो इक्कीस को पेपर हो तो ये तो बात हुई प्रलिम्स की तो हम कैसे पढ़ेंगे देखिए बैंकर्स पेपर भी मैं आपको तीन क्लासेस प्रोवाइड करूंगा देखिए मंडे वेटनसडे और फ्राइडे तीन दिन हम लोग मॉक कर रहे हैं ठीक है बच्चे तीन दिन हम क्या कर रहे हैं मॉक कर रहे हैं प्रिलिम्स के प्रिलिम्स के मॉक कर रहे हैं तीन दिन ठीक इसके अलावा ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे हम लोग बच्चे मेंस की क्लास कर रहे हैं क्योंकि मेंस की क्लास भी, भी बहुत जरूरी है ठीक है सर तो तीन दिन हम लोग मॉक कर रहे हैं प्रिलिम्स के और तीन दिन हम लोग मेन्स क्लास कर रहे हैं और जो टाइमिंग होगी वो बारह बजे होगी दोस्तों नोट कर लीजिएगा जो टाइमिंग होगी दैट इज ट्वेल्व पी ठीक अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मेन्स भी अगर मैं देखूं तो मेन्स जो मुझे दिखाई दे रहा है वो बीस सितंबर को मेन्स है तो मतलब मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि हम लोग लास्ट टाइम पे मेन्स की तैयारी करें है ना लास्ट टाइम पे मेन्स की तैयारी नहीं करेंगे तो मेन्स की तैयारी भी हम लोग क्या करेंगे ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे में हम लोग मेन्स भी पढ़ेंगे ठीक है तो प्रबलेम्स हम लोग पढ़ेंगे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में प्रबलेम्स पढ़ेंगे और ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे में हम लोग मेन्स पढ़ेंगे तो ये क्लासेस आपको मिलेगी बैंकर्स वे पर कहा मिलेगी बैंकर्स वे पर बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर बैंकर्स वे पे क्लास नहीं हो रही है तो बैंकर्स वे का एक बार स्क्रीन ले लो मंडे वेटनसडे फ्राइडे मॉक करेंगे प्रबल्स के ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मेन्स क्लास करेंगे ठीक है नोट कर लो स्क्रीन और एक एक शेयर कर दो फिर शुरू कर हैं चलो स्टार्ट करें चलो ठीक है आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं देखिए अगर आप आज देखेंगे सबसे पहला एक मोटिवेशन है कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है आज गुरु पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो इंसान अपने सपनों को लेकर पागल है वो जीवन में बहुत कुछ करेगा एक दिन तो अगर आप पागल है कि मुझे इस बार नौकरी लेनी लेनी है चाहे कुछ हो जाए आपको नौकरी जरूर मिलेगी दोस्तों आज का जो मॉक मैंने प्लान किया है वो आरआरबी का मॉक है 2021 का मॉक है चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और सबसे पहले ये देखिए आरआरबी का मॉक है ठीक है तो आरआरबी के मॉक में एक दो तीन चार पांच छ पांच नंबर सीरीज पूछी गई थी 2021 के मॉक में 2021 का मॉक है ठीक है और एक दो तीन चार पांच छ क्वाड्रेटिक थी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह बारह बारह अर्थमैटिक थे डीआई कितने कितनी देखो तीन सेट थे एक आ, एक दो तीन चार पाँच छ छ वाले थे एक दो तीन चार पाँच पांच ये थे और एक केसलेट थी हमारे पास एक केसलेट भी आई थी ये वाली तो देखो पेपर जो कुछ आता है मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि पेपर कुछ इस तरीके से आपको आरआरबी का मिलेगा पूरा मॉक मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जो आरआरबी का मॉक होगा वो कुछ ऐसा होगा इसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है देखो देखो आरआरबी का मॉक कुछ ऐसा होगा दोस्तों मॉक कैसा होगा दस से बारह क्वेश्चन आएंगे आपके स्पीड मैथ्स के स्पीड मैथ्स में इन तीन टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा लाइक अप्रोक्सीमेशन पहले पीओ की बात कर रहा हूं ठीक है आज पीओ का डिस्कशन है नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दोस्तों इन तीन टॉपिक से मिला के दस से बारह क्वेश्चन बनेंगे पांच पूछी जाएगी आपकी केसले डीआई जिसको आज मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसी आई थी दस के आसपास डीआई पूछी जाएगी और दस से बारह क्वेश्चन अर्थमैटिक के पूछे जाएंगे तो एक काम कर रहे हैं शुरू कर रहे हैं सेशन को सबसे पहले क्या पढ़ना पसंद करोगे बताओ सबसे पहले क्या पढ़ना पसंद करोगे दस से बारह हाँ दस से बारह मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम बारह तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं मैक्स मैक्स, दस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कई बार हो जाता है तो दस क्वेश्चन तो इन तीन टॉपिक से आएंगे पंद्रह पच्चीस और तकरीबन ये ऐसा भी पॉसिबिलिटी है जैसे मान लो बारह क्वेश्चन यहां से पूछ लिए उसने पांच यहां से पूछ लिए तो डीआई को भी मान लो बारह कर लो ऐसे बारह तो बारह चौबीस पांच और ये दस ये ग्यारह क्वेश्चन मान लो ऐसा हो सकता है कि ये डी के ग्यारह क्वेश्चन आ जाए ऐसे भी करके कुछ सिनारियो बन जाते हैं ऐसे करके या ग्यारह ग्यारह ऐसे कुछ करके ठीक है तो सीनारियो कुछ भी हो सकता है मतलब यही चीजें हैं जो आपको पढ़नी है तो सबसे पहले क्या पढ़ना पसंद करोगे केसलेट अच्छा पूछा आपने मैं भी वही लेके जा रहा था आ जाओ तो लेट्स हैव अ लुक एट द केसलेट फर्स्ट मैं आपको तीन मिनट में केसलेट पढ़ा दूंगा तीन मिनट आपको लगेगा केसलेट को देखने में कि केसलेट कैसा आया था लास्ट ईयर ये देखिए दिस वॉज द केसलेट दैट केम इन लास्ट ईयर आर आर बी पीओ पीओ में आया था क्या था कि हमारे पास क्लास एट्थ और क्लास नाइन्थ दो क्लास थी क्लास एट्थ और क्लास नाइन्थ में कुछ बच्चे थे उनके बारे में ये केसलेट था और हमें इसको पढ़ के समझना था इसका हिंदी वर्जन नहीं है इंग्लिश वर्जन है तो स्टार्ट करें स्टार्ट करें चलो स्टार्ट करते हैं देखिए केसलेट का मतलब है अगर आप केसलेट को छोड़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं इसके दो कारण हैं इस पे पांच होते हैं, और पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाते हैं अगर मैंने इसको बना लिया तो क्लास आठवीं में बोल रहा है कि स्टूडेंट जो केवल हिंदी पढ़ते हैं वो डेढ़ गुना है इंग्लिश न्यूज पेपर दस बच्चे जो हैं दोनों पढ़ते हैं और टोटल साठ बच्चे हैं क्लास आठवीं में तो आठवीं का एक वेन डायग्राम बना लू इस तरीके से ये आठवीं क्लास है और ये आपकी हिंदी है और ये आपकी इंग्लिश है आप देखो क्या करना है बड़ा अच्छा सवाल है बोल रहा है जो ओनली हिंदी है वो डेढ़ गुना है ओनली इंग्लिश तो ओनली इंग्लिश अगर दस एक्स है ओनली इंग्लिश ओनली तो हिंदी कितना हो जाएगा पंद्रह एक्स हो जाएगा लिखा है ना कि हु रीड ओनली हिंदी जो केवल हिंदी पढ़ते हैं वो डेढ़ गुना है उन बच्चों का जो केवल केवल इंग्लिश न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो मैंने क्या बोला ये दस एक्स है तो ये पंद्रह एक्स हो जाएगा दस बच्चे दोनों पढ़ते हैं ये देखिए गॉट इट ठीक अब क्या करेंगे तीनों का जो सम होगा पंद्रह दस पच्चीस एक्स

अब जैसे आपने आठवीं का बनाया ऐसे आप नाइन्थ का भी बना लो जैसे आपने आठवीं का बनाया ऐसे ही नाइन्थ का भी बना लो ठीक है में स्टूडेंट रीड ओनली हिंदी एक तिहाई कम है ओनली हिंदी ऑफ क्लास एट देखो ओनली हिंदी ऑफ क्लास एट में तीस बच्चे हैं ओनली हिंदी क्लास एट में तीस बच्चे हैं उससे में एक तिहाई कम हूं इसका एक तिहाई दस कम हो मतलब बीस ठीक है स्टूडेंट रीड बोथ हाफ ऑफ क्लास हुई हु पढ़ते हैं दस पढ़ते हैं तो यहां पांच पढ़ते हैं ठीक है स्टूडेंट हु इंग्लिश इज इक्वल टू हु रीड ओनली हिंदी इन क्लास ये और ये बराबर है तो ये हो गए आपकी नाइन्थ क्लास तो यहां कितने बच्चे हो गए पैंतालीस बच्चे आसान था कि टफ था बताओ लास्ट ईयर का क्वेश्चन है तो इस तरह का भी केसलेट आप कर सकते हैं कि दो क्वेश्चंस, दो वेन डायग्राम। मैक्स टू मैक्स दो से तीन मिनट कैसा लगा आपको खूबसूरत एक बार जल्दी से बताइए एवरीवन कमेंट फास्ट हाँ ना तो बोलो बेटा डन 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 अरे सॉरी ये बोल रहा है इंग्लिश इक्वल टू क्लास एट था सॉरी कोई दिक्कत नहीं गुस्सा करने वाली क्या बात है इसके बराबर तीस इस हो जाएगा ठीक गुस्सा करने वाली क्या बात है डन क्लियर हो गया तो जो बच्चे केवल इंग्लिश पढ़ते हैं वो क्या है ओनली हिंदी है क्लास एट्थ तो क्लास एट में ये है ना गुस्सा करने वाली क्या ठीक है अब पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चंस मुझे मिल नहीं पाए बच्चों ने बेटा पेपर से बना के भेजा था तो ये होगा अब इस पर क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं एट्थ में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नाइन्थ में कितने हैं या बॉयज गर्ल्स कुछ भी वट एवर क्वेश्चन कैन बी सीन इन दिस टाइप ऑफ डी हो जाएंगे सॉल्व हाँ जी बोलिए ठीक है।, है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बस यस 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 करके बता दे सर हो जाएगा लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द डीआई एक और डीआई ये वाली अच्छा क्वेश्चन है मेल फीमेल करके क्वेश्चन था एग्जैक्ट क्वेश्चन है भाई मेरी टीम के बंदे हैं जो एग्जाम में जाते हैं और क्वेश्चन उठा के लाते हैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ देखिए पांच क्वेश्चन आए थे डी के डी कौन सी थी टेबुलर इस बार भी आएगी तैयार रहिएगा

ठीक है, हो गया चलो पहला क्वेश्चन समझा देता हूं टेबुलर गिवन शो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल और फीमेल तीन डिफरेंट कॉलेज है नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल फीमेल स्पीक फ्रेंच टोटल बच्चों में से रीड द डेटा केयरफुली और आंसर देखो या तो बच्चे फ्रेंच बोलते हैं या फिर जर्मन बोलते हैं अब देखो टोटल मेल कितने हैं साठ फीमेल कितने हैं चालीस तो इसका मतलब बच्चे कितने हो गए पी में पी में बच्चे हो गए सौ यहां हो गए 140 और यहां हो गए नौ सत्रह और एक सौ अब मुझे बताओ अगर फ्रेंच बोलने वाले छप्पन लोग हैं तो जर्मन बोलने वाले कितने लोग हो जाएंगे छप्पन माइनस करो 100 में से 44 लोग जर्मन बोलते हैं ठीक है अगर 80 लोग फ्रेंच बोलते हैं 140 में से तो 60 लोग जर्मन बोलेंगे 180 में से 112 लोग फ्रेंच बोलते हैं तो आठ 120, सौ बीस आठ और छे सिक्सटी एट लोग जर्मन बोलते हैं ये समझ आया कि नहीं आई डी आई जल्दी से में उत्तर दो बेटा अब पहला क्वेश्चन देखो टोटल फीमेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम क्यूज छत्तीस तो क्यू में जो जर्म आ, फ्रेंच बोलती है फीमेल देखो अगर मैं बात करूं क्यू में तो क्यू में फ्रेंच कितने बोलते हैं क्यू में फ्रेंच बोलते हैं अस्सी लोग इसमें जो फीमेल है वो छत्तीस है तो डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम द सेम कॉलेज तो मुझे बताओ यहां पर मेल कितने हो जाएंगे जो फ्रेंच बोलते हैं दस में से छ गया चार सात में से तीन गया चवालीस तो मेल हो गए चवालीस मेल कौन से जो फ्रेंच बोलते हैं चवालीस मेल कौन से जो फ्रेंच बोलते हैं अच्छा टोटल आदमी कितने हैं अस्सी अस्सी आदमी हैं चवालीस आदमी तो फ्रेंच बोलते हैं तो जर्मन कितने आदमी बोलेंगे छत्तीस आया ना बोलो कमेंट फास्ट जल्दी से बोलो अच्छा क्वेश्चन था क्वालिटी थी क्वेश्चन में तो जो आदमी क्या बोल रहा है मेल और फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम द सेम कॉलेज तो जर्मन कितने लोग बोलते हैं भाई जर्मन बोलते हैं साठ लोग साठ में से छत्तीस तो मेल हैं चौबीस आपकी फीमेल हो जाएंगी दोनों का अंतर हो गया कैसा लगा आपको क्वेश्चन सर इंटरेस्टिंग था तो लाइक like करना नहीं था तो मत करना ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर नहीं समझ आया तो एज इट इज डीआई पूछी गई थी एज इट इज मैंने कहा ना अंतिम प्रहार पंद्रह दिन बचे हुए मॉक टेस्ट आपको कराऊंगा आपको आइडिया होगा कि क्या करना है फिर से देखो हम बात कर रहे हैं क्यू की आपके इतने आदमी हैं इतनी औरत है तो यानी 140 लोग हो गए टोटल 140 में से 80 लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं तो मैंने कहा जर्मन कितने लोग बोलते हैं आपने कहा जर्मन हो गए 60 लोग ठीक है जर्मन 60 लोग बोलते हैं फिर बोल रहा है कि टोटल फीमेल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच फ्रॉम क्यू छत्तीस अच्छा फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं अस्सी लोग फ्रेंच बोलते हैं छत्तीस उसमें औरतें हैं तो आदमी कितने हो गए फ्रेंच में चवालीस आदमी चवालीस है किसमें फ्रेंच में डिफरेंस निकालना है अब टोटल आदमी कितने अस्सी अस्सी आदमी में से चवालीस अगर घटा दूंगा तो छत्तीस आदमी जो हैं वो जर्मन में, में मेल हैं तो फीमेल कितनी हो जाएंगी भाई साहब चौबीस और इन दोनों का डिफरेंस बारह मजा आया कि नहीं आई आई में एक नंबर सर लास्ट ईयर का क्वेश्चन है अच्छा लगा तो लाइक करना नेक्स्ट लो अगला क्वेश्चन है चलो ट्राई करना ये बेटा पीओ है क्लर्क नहीं है ऊपर लिख तो रखा है दोस्त अर्पित बेटा ऊपर देखो ध्यान से लिखा हुआ है आर पीओ परी मेमोरी बेस दो हजार इक्कीस हो गया जिस जिसका हो जाए कमेंट बॉक्स में आंसर करना नहीं ये लास्ट ईयर जब बच्चे डी कर रहे थे तो याद कर रहे थे कि सर देखो मैं जो लेवल आपको दे रहा हूं ना एग्जाम में ऐसा ही लेवल मिलेगा ये याद रखना दोस्त कल मेंस की क्लास होगी ठीक है चलो नहीं हुआ आ जाओ देखो सबसे पहले तो चीजों को समझना है बेटा आर है देखो आर में दो चीजें हैं आर में कितने लोग हैं 96 सिक्स एटी फोर आर में एक सौ अस्सी लोग हैं तो आर में आपने क्या कहा देखो दो चीजें हैं एक है फ्रेंच और एक है जर्मन फ्रेंच में मेल फीमेल जर्मन में मेल और फीमेल अब ध्यान देना देखो बेटा है ना आपने कहा फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं फ्रेंच बोलते हैं 112 लोग ठीक है तो जर्मन कितने लोग बोलेंगे 180 लोग हैं तो 180 में से माइनस करा हमने तो विल बिकम है uh, ना? सही कह रहा हूं मैं नहीं 72 क्यों कह रहा सॉरी, बारह डन ठीक है अब ध्यान से सुनो, कह रहा है कि पांच बाई आठ बच्चे जो फ्रेंच में हैं, वो मेल हैं, तो फ्रेंच हमारे पास रहा मेल कितने हैं इसका पांच बाई आठ पांच बाई आठ सौ बारह का फोर्टीन फाइव सेवेंटी मेल है तो फीमेल कितने हो गए ग्यारह में से सात गया चार फोर्टी टू डन सही है भाई मेल आपके पांच बाई मारा थे तो फीमेल भी निकल गए तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल फीमेल स्पीक फ्रेंच बयालीस फ्रॉम आर टोटल स्पीक जर्मन फ्रॉम पी अब देखो टोटल फीमेल कितनी है एट्टी फोर है टोटल फीमेल एट्टी फोर है फोर्टी टू यहां आ गई तो यहां पर अभी फोर्टी टू बचेंगी आठ में से दो गया छह में से चार गया दो छब्बीस मेल और मेल आपके न, कितने नाइनटी सिक्स दोनों को मिला तो क्या पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द फीमेल फ्रॉम फ्रेंच तो फीमेल फ्रॉम फ्रेंच कितनी है फोर्टी टू माइनस डिफरेंस फीमेल टोटल स्टूडेंट स्पीक जर्मन फ्रॉम पी जर्मन फ्रॉम पी सिक्सटी एट दोनों का डिफरेंस आठ में से दो गया छे 26 आ रहा है मेरे हिसाब से तो ना आया ना बोलो क्या कह रहा है वो डिफरेंस बिटवीन टोटल फीमेल स्पीक फ्रेंच स्पीक टोटल स्टूडेंट स्पीक जर्मन फ्रॉम पी अरे आर जर्मन फ्रॉम पी है सॉरी जर्मन फ्रॉम पी ये फोर्टी फोर तो दोनों का डिफरेंस दो आंसर है सॉरी लिखा हुआ था तो मैं उसको आर पढ़ गया गलती से डन तो लेवल आपको इस तरह का मिलेगा आर आर बी पीओ में तो बेटा हो जाएंगे क्वेश्चन देखो मुझे नहीं पता कि आप क्या पढ़ रहे हो कहाँ पढ़ रहे हो कैसे पढ़ रहे हो बट आई एम ट्राइंग टू मतलब रियलिटी कि डी आई इस तरह की आएगी आई विल शो यू द वेल सेशन में बने रहना द थर्ड क्वेश्चन यू कैन सी सी देखो लो तीसरा सवाल है चलो आ जाओ एक मिनट दे रहा हूं रियलिटी है बेटा ये जहां भी आप पढ़ रहे हैं ना वहां पे आप देखना और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अच्छा लगे दबा के लाइक करना वीडियो को शेयर कर देना एक बार और मैं तो देखो एक ही बात बोलता हूं अगर आप मुझसे जुड़ रहे हो तो प्री का कंटेंट में मेंस का कंटेंट मैं आपको इतना क्वालिटी वाला दूंगा जिस दिन आप एग्जाम में बैठे होंगे उस दिन आपको एहसास होगा कि सर मजा आ गया चलो इसमें क्या हो रहा ना कि थोड़े क्वेश्चन जो बच्चे लास्ट टाइम मुझे बता रहे थे सर क्वेश्चन थोड़े लेंथी जा रहे थे हाँ मेंस भी यूट्यूब पर ही होगा आज मेंस की प्लस पर क्लास नहीं हुई हिमांशु मेंस अभी प्लस पर मैंने कुछ दिन बंद किया है सुनो भाई अभी फिलहाल कुछ दिन क्योंकि देखो आज बारह तारीख है सॉरी आज बारह नहीं आज तेरह तारीख है इनफैक्ट तो तेरह तारीख है आज तेरह तारीख को गई और मेरे ख्याल से हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर एडमिट कार्ड आ जाएगा तो थोड़ा मैं फोकस आपके आर पीओ पे भी फोकस कर रहा हूं तो वन वीक के अंदर एडमिट कार्ड विल रिलीज तो जल्दी आ जाएगा चलो सत्तर परसेंट टोटल फीमेल फ्रॉम क्यू स्पीक फ्रेंच अब टोटल क्यू की मैं बात कर रहा हूं फीमेल कितनी है सत्तर तो परसेंट तो अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू में फ्रेंच और जर्मन तो फ्रेंच में भी फीमेल कितनी है सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ऑफ द टोटल फीमेल क्यू ये बोलती हैं। सोलह आउट ऑफ फीमेल स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच फ्रॉम पी अभी छोड़ दो तो फाइन टोटल मेल स्पीक जर्मन फ्रॉम क्यू अब जर्मन के मेल निकालने जर्मन में कितने लोग हैं आठ और छह चौदह अस्सी हो गए तो भाई जर्मन में साठ लोग हैं साठ में बयालीस फीमेल यहां हुई तो यहां मेल और फीमेल बता तो फीमेल कितनी है यहां पे देखो साठ फीमेल है बयालीस यहां हुई तो अट्ठारह यहां हुई अट्ठारह माइनस किया यहां मेल हो गए बयालीस डन समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ मेल निकल गए आपके स्पीक जर्मन फ्रॉम क्यू वट परसेंट लेस देन मेल स्पीक जर्मन फ्रॉम पी अब पी की मैं बात कर रहा हूं पी 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 में भी आपने कहा फ्रेंच और जर्मन फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं छप्पन लोग फ्रेंच बोलते हैं इस में सोलह जो है फीमेल है फीमेल यहाँ पे सोलह है तो जर्मन में फीमेल कितनी हो जाएंगी फीमेल चालीस है सोलह घटा दो यहाँ चौबीस हो जाएंगी तो फीमेल चौबीस हुई तो मेल कितने हो जाएंगे जर्मन है कितने यहां पे चवालीस थे चवालीस में से चौबीस गया जीरो चार में से दो गया बीस तो यहां पर मेल कितने आ गए बीस और वहां पर मेल बयालीस तो ये इससे कितना ज्यादा है ट्वेंटी टू ज्यादा है बीस से हाउस दैट कमेंट फास्ट तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे सर डीआई मैंने कहा ना अगर अच्छा नहीं लगा ना तो अब मत सेशन करो फिर आराम से एग्जाम देके आना और बताना मुझे ठीक मजा आया क्वेश्चन देख के इस तरह की डीआई लास्ट ईयर पूछी गई थी आप पूरा यूट्यूब सर्च मान लो अगर कोई आपको ऐसा कंटेंट दे रहा है तो फॉलो करो नहीं दे रहा है तो मत फॉलो करो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक वो भी देख लो एक बार वो काफी इजी आया था नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक को देख के आपको मजा आएगा कि दस नंबर तो आ ही जाएंगे आ जाओ दस नंबर तो देखो आ ही जाएंगे देख लो आप ये देखो मैं आ जो दस नंबर तो बेटा आ ही जाएंगे लो चलो दस नंबर तो आई जाएंगे कोई बात नहीं जिनका पहला एग्जाम है अभी इसके बाद कराऊंगा चलो कोई दिक्कत नहीं आप इस क्वेश्चन को देखो आपको दस नंबर तो मैं दिलाई दूंगा ये देखो हो गया ना आठ सौ अस्सी बीस बीस कैसे पता चला भाई मैंने कहा ना ये तो दस नंबर कुछ भी ना हो ना सर आर में दस नंबर तो आई जाएंगे इसकी बदौलत स्पीड मैथ्स की, मैथ की। पांच माइनस कर रहे पंद्रह कर रहे पांच पच्चीस कर रहे हैं दस में से पांच गया पांच तो दस दस दस, दस पैंतालीस पांच में से पाँच गया जीरो बारह में से चार गया आठ मैंने कहा, दस नंबर तो कहीं नहीं गए एक नंबर डन दूसरा चलो थर्टी सेकेंड्स दस नंबर तो कहीं नहीं गए दोस्त सेशन को शेयर कर दो यार ये मेहनत तुम्हारे लिखी जा रही है किसी और के लिए नहीं बीस सेकेंड में हो जाना था यहां पर कितना जोड़ रहे ग्यारह कितना माइनस करें नौ में से दो गया सात कितना जोड़ रहे पांच कितना माइनस कर रहे हैं तीन क्या चल रहा है दिस इज प्राइम नंबर ग्यारह सात पांच तीन सो प्लस टू विल कम दस नंबर तो आ ही जाएंगे ये सबसे इजी सेक्शन होगा तो अगर आप लोग स्पीड मैथ्स मुझे लगता है पढ़ रहे हो तो ज्यादा वक्त अब मत दीजिए क्योंकि जितना स्पीड मैथ्स आपने पढ़ना था पढ़ लिया इट्स अ टाइम फॉर अर्थमैटिक एंड डी आई ओनली तीसरा क्वेश्चन स्पीड मैथ्स पढ़ना है तो डेली यूट्यूब पे मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको बस क्लास करने में दो चार क्वेश्चन आपको वहीं मिल जाएंगे बनाओ 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 बना। हो गया होगा देखो मैंने कहा ना क्वेश्चंस नॉर्मल से सी कितना जोड़ रहे हैं दो कितना जोड़ रहे हैं चार कितना जोड़ रहे हैं आठ कितना जोड़ रहे हैं सोलह कितना जोड़ेंगे थर्टी टू डबल डबल डबल, डबल। चार दो छः सात और तीन दस एक सौ छः ऑप्शन में है नहीं कोई बात नहीं तो दो चार आठ सोलह ठीक है Next. Chalo. फोर्टी सेकेंड सब देखो यही दिमाग पकड़ लेना चाहिए था चार दूनी आठ आठ तीन चौबीस आठ चौको बत्तीस डबल की फीलिंग मुझे कहीं से आ नहीं रही है तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ चार जोड़ रहा हूं यहाँ सत्ताईस जोड़ रहा हूं सोलह जोड़ रहा हूं एक सौ पच्चीस जोड़ रहा हूँ देखो मैंने कहा ना नंबर फ्री के मिलेंगे दो स्क्वायर तीन क्यूब चार स्क्वायर पांच क्यूब छ स्क्वायर यानी कि छत्तीस जोड़ लो छह छह बारह सत्रह और तीन बीस और एक इक्कीस दो तो सौ नंबर फ्री के आएंगे नेक्स्ट इस वाले को कर लेंगे घर के लिए दे रहा हूं सीधा सीधा मल्टीप्लाई तीन डिवाइड फोर डिवाइड टू होगा मल्टीप्लाई वन होगा दैट विल बी पांच नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्टी ट्वेंटी दस नंबर तो आप मान के चलो कि सिक्योर है आपके ये लास्ट ईयर का पेपर है यू कैन सी द लेवल एज वेल बीस सेकेंड कैसे किया दस सात माइनस पांच और माइनस दो दोनों पॉजिटिव फैक्टर बनेंगे तो इसका तीन और इसका पांच दोनों नेगेटिव अब ये दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव है साफ साफ एक्स बड़ा है वाई से भाई दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव यही बड़ा हुआ नेक्स्ट यहां नंबर आपके देखो दस नंबर आएंगे ये आपके नहीं पूरी दुनिया के आएंगे ये देखो पूरी दुनिया के नंबर आएंगे ये भी सेम ऐसी है देखो चार और पांच दोनों नेगेटिव हो जाएंगे एट सेवन जहा फिफ्टी सिक्स माइनस आठ माइनस सात दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव अगेन एक्स छोटा है यहां पे छोटा हो गया वहां बड़ा यहां पर आप मतलब अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं क्वाड्रेटिक में अच्छा कर लूंगा मैं नंबर सीरीज में कर लूंगा आप गलत फैमिली के शिकार हो ये हर कोई कर रहा होगा देखो तीसरा सवाल भी देख लो ये देखो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है कितना आसान लेवल है क्योंकि भाई दस क्वेश्चन तो वो सबके लिए इजी करेगा तो कर तो है तो तो होते हैं क्योंकि वो बच्चों को डिमोटिवेशन फील ना हो एग्जाम में जाके कि यार तो कर ही नहीं पाऊंगा तो आपको दस पंद्रह क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे देखो फैक्टर देखते ही पता लग रहा है माइनस का नौ दोनों पॉजिटिव तिरसठ का डबल वन ट्वेंटी सिक्स देखो, ये देखो। फैक्टर आपके देखते ही बन रहे होंगे सही है तो दस बारह दस बारह दस बारह अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि 10-12 क्वेश्चंस करके मैं अपने आप को शहनशाह समझ रहा हूं या मेरे को लग रहा है कि ये तो मेरे को इजी हो जाएंगे नहीं आप गलत फैमिली पे हो मैं आपको आईना दिखाना चाह रहा हूं एग्जाम से पहले मैं इस पर बात करने आया ही नहीं था डीआई कर कराई फिर डीआई कर कराई ये मैंने आपको सिर्फ दर्शन दिए कि सबसे पहले आप मॉक में यही करना दस क्वेश्चन कम समय में करने की कोशिश करनी है करने की कोशिश नहीं करनी कम समय में करने की कोशिश करनी है ज्यादा फाइट हमें अर्थमैटिक पे मारना है तो लेट्स हैव अ लुक एट द लेवल ऑफ अर्थमेटिक पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क अब देखिए अर्थमेटिक में भी अगर मैं बात कर रहा हूं पीओ लेवल की तो पीओ लेवल में आपको क्वेश्चन थोड़े मतलब कंसेप्चुअल मिलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन है सेप्टअल है देखो कंसेप्ट आपको कंसेप्ट मालूम होगा तो आप क्लिक करोगे वरना नहीं करोगे चलो अब दस क्वेश्चन अर्थमेटिक करेंगे और यू विल सी कि हाँ यार हम कहा जा रहे हैं लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे फिर ठीक है अब देखिए काफी लोगों ने एक एक मिनट लिया देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा था कंसेप्ट से सोलह बच्चे किसी काम को तो कर रहे हैं देखो सोलह आदमी सॉरी सोलह बच्चे सोलह बच्चे काम कर रहे हैं बारह दिन में तो चार घंटे काम करते हैं उसी काम को दस औरतें कर रही हैं दस औरतें कर रही हैं सेम टास्क 60 मोर एफिशिएंसी देन चाइल्ड 60 मोर अब देखिए 60 का मतलब तीन बाई तो अगर इन बंदों की एफिशिएंसी पांच है तो इन बंदों की एफिशिएंसी हो गई, घंटे रोज काम कर रहे हैं तो बताइए कितने दिन लेंगे दस अस्सी सोलह पंजे अस्सी छह दूनी बारह चार दूनी आठ एक कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को आपको पता होना जरूरी है अगर आपको वो कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते कि सोलह आदमी बारह दिन चार अगर इसकी इसकी है है। तो ज्यादा यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बनाइए क्या क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस अब प्रॉफिट लॉस में भी देखो क्वेश्चन ऐसा है कि देख के आदमी को समझ ही नहीं आएगा क्या दे रहा है ये? देख लो आप समझ ही नहीं आएगा आपको यार चालीस पचास हजार की नौकरी अगर कोई आपको दे रहा है तो आपका देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको फ्री में तो देखो मिलेगा नहीं और उस स्थिति में जब आज देश में इतनी बेरोजगारी है तो आप प्लीज़ कंपटीशन को हल्के में ना लें फोर्टी फाइव सेकेंड फोर्टी सिक्स चलिए आइए आप देखिए मैंने क्या बोला कि कंपटीशन को हल्के में ना ले क्योंकि बेरोजगारी और आप देख ही रहे हो देश की स्थिति और सब कुछ आपको बताया मैं बताने की जरूरत नहीं है बोलने की जरूरत नहीं है अगर आप इस साल नौकरी नहीं ले रहे हैं तो आप एक नहीं आने वाले एक साल बाद आपके दस कॉम्पिटिटर खड़े हो रहे हैं क्योंकि सर आई स्टिल रिमेंबर दो में जब मैं पढ़ाता था इवन चौदह की मैं बात बताता हूँ आपको जब मैंने एक आर आर बी एग्जाम्स क्वालिफाई किया था उस समय एक ही पेपर हुआ करता था फर्स्ट पेपर एक पेपर दो नौकरी ले लो मतलब तो बैंक की नौकरी आप कोई कोचिंग नहीं था कोई इतना कुछ नहीं था आप थोड़ा बहुत कोचिंग और थोड़ा बहुत घर से भी पढ़ोगे तो यू कैन यू कैन क्लियर इन फर्स्ट अटैम्प्ट बट मैंने चौदह से देख रहा हूं मुझे बाईस हो गया आठ साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए आठ साल में मैंने कॉम्पिटिशन का लेवल यहां से यहां जाते देखा है तो मैंने देखा है कि अगर 2014 का बच्चा 2022 में एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है इवन मैं अपनी बात करूं मैंने 2015 में एस बी दिया था मेरे को लगता है कि अब 15 वाला एस बी और आज वाला एस बी बहुत अंतर है चलो मैं टीचर हूं मैं अपडेट हो गया मैं पढ़ाने लगा मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बट मैं उस बच्चे के बारे में सोचता हूँ कि जो पंद्रह में तैयारी करने गया होगा और जो अट्ठारह या बीस बाईस में तैयारी कर रहा है अभी तक उसके लिए तो मतलब तुम इमेजिन करो हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है हर साल क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदलता जा रहा है अब इसके में इस में इस क्वेश्चन देखो एक आर्टिकल को बेचा गया प्रॉफिट पे और एक लॉस पे तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो दे रखा है और सेलिंग प्राइस का रेशियो है भाई सीधी सीधी सी बात बताओ एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस दूसरे आर्टिकल की भी कॉस्ट प्राइस सेम होगी फर्क तो बढ़ेगा नहीं ठीक है अच्छा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हमें नहीं पता छोड़ दो प्रॉफिट कितने का हुआ थ्री एक्स का मान लो तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी प्रॉफिट में क्या होता है सेलिंग प्राइस जोड़ देते हैं एसपी में यहाँ पे लॉस हो रहा है फोर एक्स का तो एसपी कितना हो जाएगा सीपी माइनस सीपी माइनस वो ना तो सीपी माइनस चार एक्स ये देखो कंसेप्ट है एसपी एस और दोनों एसपी का रेशियो है ये देखो सीपी माइनस फोर एक्स रेशियो कितना है तो चार सीपी चारिया बारह एक्स पांच सीपी पांचों को बीस एक्स लेके आ गया, बराबर थर्टी टू एक्स CP निकल गया बोल रहा है कि प्रतिशत बताइए, तो 4X का लॉस परसेंटेज पे? पे। तो विल भी चार एक्स का लॉस हो रहा है थर्टी टू पे ये कैंसिल हुआ फोर एट जहा वन बाई एट वन बाई एट साढ़े बारह परसेंट कंसेप्ट सर हमारा क्या होगा हम तो पंद्रह साल बाद पढ़ पढ़ाई कर रहे हैं जाज कुछ नहीं होगा देखो मैंने एक बात देखी है जिंदगी में अगर आदमी कंसिस्टेंट है उसके सपने बड़े हैं वो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है तो कॉम्पिटिशन कैन नेवर स्टॉप कॉम्पटिशन उन लोगों के लिए है जो रुक रुक के मेहनत करना चाहते हैं आज मन हो गया आज मेरी क्लास से मोटिवेशन मिला तो पढ़ने बैठे कल नहीं मिला तो नहीं बैठे वो बच्चे सफल थोड़ा देर से होते हैं तीसरा सवाल देखो ना प्रोबेबिलिटी लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी प्री में नहीं आती एक आधा क्वेश्चन आ जाता है लेकिन टफ नहीं आता इजी आता है इतना टाइम लोगे अच्छा देखो इतना टाइम लेंगे फिर तो हो गया सवाल क्या था बहुत अच्छा था प्रोबेबिलिटी मैंने प्लस पे पढ़ाया आप लोगों को आप में से कितने लोग हैं जो प्लस पे मुझे फॉलो करते हैं अनअकैडमी प्लस पे नहीं करते हो? ये भी कारण है कि बेसिक्स क्लियर नहीं है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इक्वल टू अ प्राइम नंबर व्हेन टू डाइस आर रोल टूगेदर अब देखिए व्हेन टू डाइस आर रोल व्हेन टू डाइज आर थ्रोन कह लो तो आउटकम्स कितने हो गए बोल रहा है कि गेटिंग सम सम ऑफ इक्वल टू प्राइम प्राइम नंबर नंबर जो होना होना चाहिए चाहिए मतलब दो होना चाहिए तीन होना चाहिए पांच होना चाहिए सात होना चाहिए और प्राइम नंबर ग्यारह होता है मैक्सिमम तो और भी होते हैं बट डाइस जब फेंकते हैं तो मैक्सिमम सम ग्यारह बारह होता है अब कितने केस बनेंगे दो कब होगा जब केवल वन और वन होगा तीन कब बनेगा जब वन टू होगा टू पांच कब बनेगा जब एक चार होगा चार एक होगा दो तीन होगा तीन दो होगा सात कब बनेगा एक छ छ एक, दो पांच, पांच दो तीन चार चार तीन और ग्यारह कब बनेगा पांच छ छः पांच। तो कितने आउटकम्स बन रहे हैं दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो प्रॉबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फेवरेबल कितने हैं पंद्रह टोटल छत्तीस तीन से पांच बार तीन से बारह बार सी बेटा हो जाएगा अब इसका एक शॉर्टकट भी मैंने बताया था अगर आप मेरे साथ प्लस पर बनते हो प्लस पर अगर आप बनते हो तो मैंने आपको बताया था कि सम पॉसिबल आउटकम्स या आउटकम्स जो मेरे साथ पढ़ रहा है ना उस देखो मैं आपको बोलता हूं आपको पता सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना है टीचर को पहले पकड़िए उस टीचर को फॉलो कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बेसिक्स पढ़िए उस बेसिक्स को पढ़ने के बाद उसकी क्लासेस कीजिए और उस टीचर को पढ़िए जो आपके साथ, है, है। साथ पी एम पे, तो पे रेशियो स्टार्ट करूंगा बेसिक्स आपने पढ़ा फिर आप यूट्यूब पढ़ने आओ ना मैं तो खुद बोलता हूँ कि जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उस कंसेप्ट को बेस लेके आप प्रैक्टिस करो सम मिनिमम सम दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह इसका एक शॉर्टकट है अगर सम दो होगा तो एक केस बनेगा सम होगा तो दो केस बनेंगे तीन केस बनेंगे चार केस बनेंगे पांच केस बनेंगे छह केस बनेंगे फिर पांच फिर चार फिर तीन फिर दो फिर एक तो सम इज अ प्राइम नंबर सम इज अ प्राइम नंबर मतलब ये हो सकता है 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 तो एक और दो तीन और चार सात और छह तेरह और दो पंद्रह मुझे नहीं पता आपने प्रोबेबिलिटी अगर मुझसे पढ़ी है तो मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया था ठीक है ये कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी जल्दी ठीक है नेक्स्ट प्रॉफिट पार्टनरशिप के ऊपर सवाल है जी हो गया कैसे बनाएंगे बहुत प्यारा सवाल है और बहुत आसान सवाल था अच्छा सवाल था सवाल देखिए क्या कहना चाह रहे तो इस वजह से गलत हो जाता है ए और बी ने इन्वेस्ट किया आप ऐसे समझिए ए ने इन्वेस्ट किया बारह हजार और बी ने इन्वेस्ट किया पंद्रह हजार कह रहा है कि इसने इन्वेस्ट किया नौ महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया आठ महीने के लिए थ्री फोर जा थ्री फाइव जा फोर टू जा तो आ गया नौ ये आ गया दस ठीक है उसने बोला कि बीस परसेंट सैलरी जो है वो ए को मिल जाती है रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उस रेशियो में तो मान लीजिए कि मेरा जो प्रॉफिट है दैट इज हंड्रेड एक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि बीस एक्स तो बेटा ए को मिल गया लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में ट्वेंटी परसेंट तो ए को मिल गया तो बचा कितना कितना बचा इस वाले का जो बचा उसमें बी को कितना मिल रहा है दस मिल रहा है उन्नीस पे और ये बी को जो मिल रहा है दैट इज फोर थाउजेंड जीरो जीरो दो जीरो आठ पंजे चालीस एक्स की वैल्यू आ गई नाइनटी फाइव नाइन्टी फाइव आ गई तो पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट बताइए टोटल तो तो प्रॉफिट विल बी तो एग्जामिनर का पेपर आप देख रहे हो कुछ क्वेश्चंस इजी हैं कुछ टफ हैं कुछ मॉडरेट हैं मिला जुला पेपर है पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत इजी था प्रॉफिट लॉ थोड़ा सा खिचावा था प्रोबेबिलिटी थोड़ा नॉर्मल था तो सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं कुछ इजी हैं कुछ टफ हैं किसी पर कॉन्सेप्ट है किसी पर नहीं है अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यू विल सी ये क्वेश्चंस आपको समझ ही नहीं आएगा क्या है एक तो टाइम एंड डिस्टेंस आता नहीं है ऊपर से क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो वही मिलाजुला पेपर है यार सर एक सर्विस मैन को भी मैं अभी गाइड करूँगा सेशन के एंड में आप बने रहिएगा मैं सबको गाइड करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए बना बना बनाओ बना। आ जाओ कैसे बनाएंगे एक साइकिल है 480 मीटर बिहाइंड रनिंग अ मैन कैन क्रॉस इट इन 16 सेकंड थोड़ा सा फ्रेमिंग को समझते हैं देखो मुझे पता डायमंड डिस्टेंस नहीं आता आपको इसलिए दिक्कत हो रही है सवाल कह रहा है कि एक साइकिल है ऐसे करके एक साइकिल है ये क्या है 480 मीटर पीछे है रनिंग बिहाइंड अ मैन एक आदमी ऐसे चल रहा है और इनकी दूरी 480 मीटर की है तो मान लीजिए साइकिल जो है इसकी स्पीड x है और इस बंदे की स्पीड y है और बोथ आर मूविंग मूविंगशन एक्स माइनस वाई चार सौ अस्सी है और कितने समय में क्रॉस किया 16 सेकंड में सीधे कल लू तीस बजे पहली इक्वेशन बन गई हाँ या ना बोलो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है आदमी ये साइकिल है साइकिल की स्पीड एक्स है मीटर पर सेकेंड आदमी की स्पीड वाई है म डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है माइनस हो जाती है चार सौ अस्सी मीटर है सोलह सेकंड में क्रॉस किया तो तीस मीटर पर सेकेंड दोनों का डिफरेंस हो गया स्टेप क्लियर पहला स्टेप क्लियर है ठीक है दूसरा स्टेप वेन डिस्टेंस इज रिड्यूस बाई पंद्रह परसेंट डाउन डिस्टेंस विल बिकम पंद्रह परसेंट कम हो गई तो 480 का 15 परसेंट दस परसेंट हुआ अड़तालीस पांच परसेंट हुआ चौबीस अड़तालीस चौबीस बहत्तर कम हो गया तो डिस्टेंस हो गई 408 मीटर ठीक है सर जी स्पीड ऑफ मैन इंक्रीज बाय 150 परसेंट आदमी की जो स्पीड थी वो वाई थी वो अब जो वाई है वो दैट विल बिकम टू वाई तो अब उसको क्रॉस करने में कितना समय लगा पच्चीस मतलब ये तो आदमी एक्स ही है इसकी स्पीड और बढ़ गई टू पॉइंट फाइव वाई हो गई रिलेटिव स्पीड और जो डिस्टेंस थी वो 408 हो गई और जो समय लगा वो लगा 25.5 25.5 को 51/2 लिख सकते हैं ऐसे करके लिख सकते हैं ना भाई 25.5 51/2 ऊपर चला गया 2.5 इसकी ढाई 100% हो गई 150 बढ़ा के ये एक्स ऐसी था 51 से 8 बार 8 दूनी 16 तो ये वाला सेक्शन अगेन फर्स्ट इक्वेशन 16 दूसरी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ठीक अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं दोनों को सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो गया इसमें से चाहे तो इसको में से इसको हटा दो वाई माइनस वाई प्लस टू पॉइंट फाइव बाई डेड वाई की वैल्यू चौदह है ये हुआ। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई एक सौ चालीस अपॉन पंद्रह मीटर पर सेकेंड हमें आंसर किलोमीटर पर चाहिए तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अट्ठारह बाई पांच

शायद नहीं कर पाते आप तो छोड़ देने में भलाई थी लेकिन करना कैसे वो मैंने सिखा दिया वहां पे आप इसको छोड़ देते लेकिन इसको करना कैसे वो टेक्निक मैंने आपको सिखा दी मजा आया कि नहीं आया एक बार हाया ना बोलो एवरी वन फास्ट सर चलिए बहुत अच्छे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आइए ये देखिए एज अब वो वाला टफ था ये वाला इजी है क्षाजी परसेंट मोर देन शिवा देखो दीक्षा की जो प्रेजेंट उम्र है, तो है तो फिफ्टी परसेंट अगर सॉरी दीक्षा ज्यादा है ना तो ये टू एक्स है तो ये थ्री एक्स है एज ऑफ दीक्षा पांच साल एगो दीक्षा पांच साल एगो ये पांच साल एगो फिफ्टी परसेंट एज ऑफ शिवा टेन ईयर तो है दीक्षा पांच साल पीछे ये रही पांच साल पीछे दीक्षा ये हो गई ये क्या है फिफ्टी परसेंट यानी आधा है किसका शिवा दस साल बाद शिवा दस साल बाद फंडामेंटल्स काम आते हैं हमेशा टू एक्स एक्स की वैल्यू मेरे ख्याल से दस आ जाएगी तो फाइन एज तीन दो पांच पचास और दस जो भी निकालना हो निकाल लेना ठीक है डन हो जाएगा ठीक है टाइम वेस्ट नहीं कर रहे नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था देखो ये भी पल्ले नहीं पड़ेगा आपके क्या करना है ये भी आप बना 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 ये क्वेश्चन भी पल्ले नहीं पड़ेगा लिटरली कह रहा हूं मैं और ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं टाइप ऑफ बनाया समाजी न्याय का लो मैं करा ही दे रहा हूं छोड़ो पल्ले नहीं पड़ेगा ये क्वेश्चन सवाल ये है सवाल क्या है कि अभिनव हैज टू टाइप ऑफ चावल एक बंदे के पास बासमती चावल है और एक उसके पास रेगुलर चावल है तो बासमती चावल जो है वो पंद्रह किलो है ये चौबीस किलो है ये मान लीजिए एक्स रुपए हिसाब से है ये वाई रुपए के हिसाब से तो पंद्रह किलो चावल हो गए पंद्रह एक्स के ये हो गए चौबीस वाई के दोनों को मिला दिया तो मिलाने पे हो गए उनतालीस किलो पंद्रह इसको मिला दिया चौबीस इसको मिला दिया रेशियो तो सेम ही रहेगा 39 किलो मिला दिया और ये जो बंदा मैं बेच रहा हूं दैट इज 40% अबो द प्राइस ऑफ रेगुलर एक किलो इसका प्राइस कितना है y तो 1.4y पे बेच रहा हूं सी बोलो हां या ना x रुपए किलो था y रुपए किलो था 15x 24 किसके बराबर है इसको अब सॉल्व कर सकते हैं इसको बड़े प्यार से और यहां से आप सॉल्व करके x रेशियो y निकाल लेना जो भी आंसर आया वो कर लेना है ना सर तो मेरा आपको निवेदन यह है कि जो आज का मेरा मॉक टेस्ट है उसको मेरा बताने का बस यही उद्देश्य है कि कौन से क्वेश्चन हमें एग्जाम में करने हैं कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं ये हम इस मॉक के जरिए सीखेंगे आज आपने मेरे साथ प्रलिम्स का मॉक किया कल मेन्स करेंगे तो सो so दैट मैं आपको तैयारी करा रहा हूं एग्जाम्स को लेकर ठीक है अगला क्वेश्चन देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या मेन्सुरेशन का छोड़ना चाहिए था चलो आ जाओ फटाफट आ जाओ चलो पढ़ो पढ़ो बनाओ क्या इस क्वेश्चन को करना चाहिए था छोड़ना चाहिए था इट्स सी डूएबल तक कर सकते थे चॉइस आपकी है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इतना रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है two, L B, तो ये कैंसिल हो गए लंबाई प्लस चौड़ाई कह रहा है कि ब्रेथ इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर एरिया तो एरिया यानी कि ए स्क्वायर कितना है टू जीरो टू फाइव तो साइड कितनी हो जाएगी पैंतालीस और जो ब्रेथ है वो क्या है इज इक्वल टू साइड तो ब्रेथ कितनी हो गई पैंतालीस तो भाई लंबाई कितनी हो जाएगी आठ में से पांच तिरसठ तो फाइंड द द एरिया ऑफ ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इक्वल टू लेंथ रेक्टेंगल जो लंबाई है वो डायमीटर है 63 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 63 थ्री बाई टू तो एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर पाई की वैल्यू और रेडियस आपका ये देखो तो सेवन नाइन जा

नहीं हुआ आ जाओ अच्छा सवाल था क्वालिटी इस में देखिए टैप ए किसी टंकी को चार घंटे में भर रहा है ठीक है विद द हेल्प ऑफ बी ये टंकी को 2.4 पॉइंट आवर्स में भर रहा है विद द हेल्प ऑफ बी मतलब दोनों भर रहे हैं आपने एलसीएम लिया दोनों का कितना हो जाएगा 24 फोर ये कैपेसिटी हम मानते हैं एलसीएम के थ्रू और इसकी एफिशिएंसी इसकी एफिशिएंसी दस अब मैंने कहा इसकी एफिशिएंसी छ है तो इस बंदी की एफिशिएंसी हुई और ये भी भर रहा है तो मैंने कहा बी अकेला भरता तो कितना समय लेता चौबीस बाई पूरी टंकी भर देता ना ठीक अब क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा क्वेश्चन ने क्या पूछा जो बी है वो चौदह लीटर पर मिनट यानी एक मिनट में कितना पानी भर रहा है वो चौदह लीटर तो एक घंटे में कितना भरेगा चौदह इंटू साठ इतना भरेगा और छह घंटे में पूरी टंकी भर रहा है तो कैपेसिटी कितनी हो गई अच्छा था ना क्वेश्चन कैसा लगा बढ़िया लगा मजा आया आज के सेशन में चलिए तो इस तरीके से पूरा मॉक कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं और ये वाला भी और ये वाला तीन क्वेश्चन है ट्राई करना उसके बाद एक डीआई तो कराई दी मैंने ठीक है चलो आज के लिए इतना ही रखता हूं अब मुलाकात मेरी आपसे होगी कब फ्राइडे को फ्राइडे को मॉक बारह बजे का टाइम आप डिसाइड कर लो सर आएंगे और आपको तो मैथ्स पढ़ाएंगे सिलेक्शन के लिए हमें दो चीजें करनी है पहले की जो चीज हम पढ़ें जी जो सीखें उसको बाद में रिवाइज भी करें आज इस पूरे को पूरे पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा टेलीग्राम से आप डाउनलोड करना इस वीडियो के नीचे पिन भी कर दूंगा इनफैक्ट और फिर आप क्या करिएगा प्रैक्टिस करिए बाकी कोई समस्या अगर आप लोगों को लगती है और बच्चे पूछ रहे हैं आप देखिए मैं तीन चीज लोगों के बारे में बात करूंगा सबसे पहले बात करता हूं एक सर्विसमैन देखिए एक सर्विसमैन को मेरा निवेदन सर क्या है जो भी एक सर्विसमैन है वो केवल क्लर्क के लिए एलिजिबल है तो जितने भी एक सर्विसमैन है वो मेरी 7 पीएम की क्लास देखें बस ठीक है वो क्लर्क की क्लास हो रही है ओनली 7 पीएम की क्लास क्लर्क की वही देखें और कुछ ना देखें उसको आ, उनको आ, कुछ करने की जरूरत नहीं है उनको कंटेंट उसी क्लास में मिल रहा है बाकी जो बच्चे

अन अकेडमी पर मेरी क्लास होती है अन अकेडमी पर अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो अन अकेडमी पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा अन अकेडमी पर मेरा नाम सर्च कीजिएगा अरुण सिंह रावत मुझे फॉलो कर लीजिएगा कल मेरा नया कोर्स आ रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्लास शुरू होगी जाइएगा चौबीस महीने बारह महीने सेलेक्ट करेगा कोड मैं आपको बता दे रहा हूँ ए वी पी वन जीरो इस कोड को आप एंटर करिएगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अन अकेडमी पर बैंक एस एस सी रेलवे कुछ भी आप यूज करेंगे ठीक है सर चलो तो सबके सब कल से मेरा कोर्स चालू हो रहा है इस कोड का इस्तेमाल करना और मेरे कोर्स की टाइमिंग है फोर थर्टी पीएम टू फाइव थर्टी पीएम ये मेरी अन अकेडमी पर एक कोर्स की टाइमिंग है जो क्लास होती है ठीक है सर चलो थैंक यू सो मच जय हिंद बाय थैंक यू बाय अन अकेडमी अगर आपका टारगेट है टू तो क्रैक बैंक एग्जाम्स तो आप आए हैं सही जगह पर स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स यूजुअली सबसे सब्जेक्ट होता है बट विद माय एक्सपर्टीज लाइक अ प्रो। बस आप मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड करिए मैथ करने के लिए आपको चाहिए राइट माइंडसेट एंड गाइडेंस इन दिस जर्नी टू क्रैक इट आई विल बी योर गाइड